morning, students. How are you all? I know you are all fine at home. Okay. I am Bhupinder Kaur from Sarvakari Vidya Mandir Khamano. Today I will discuss about science experiment for kids junior wing. Required material: salt, oil, milk and some pebbles, 4 transparent glass and spoons. Yes, we will start. आज मैं आपको एक experiment करवाने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता, तो ये न्यू एक्सपेरिमेंट आपके लिए है. ओके, ये इंसॉल्युबल एंड सॉल्युबल का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो इंसॉल्युबल एंड सॉल्युबल होती क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फर्स्ट इज, ये मैंने 4 ग्लास यहाँ पे फिल किए हुए हैं. फर्स्ट ये सॉल्ट के लिए, सेकेंड मिल्क के लिए, थर्ड इज ऑयल एंड फोर्थ इज पेपर्स. ओके, एंड ये 4 के 4 मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है. एक्सपेरिमेंट के टाइम आपके पास ये सारे मटेरियल्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वाटर. इनमें मैंने वाटर फिल किया हुआ है एंड स्टेप बाय स्टेप जो ये मेरे पास मटेरियल है मैं इनमें फिल करती जाऊंगी. और आपने देखना है कि जब मैं इसको फिल कर दूंगी तो इसमें क्या डिफरेंस आता है. अभी तो ये देखिए सिंपल वाटर है सब में. ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. ओके, विद भूपिंदर मैम. यस, फर्स्ट इज सॉल्ट. ये सॉल्ट है, इसको मैं वाटर में डालूंगी. ये सॉल्ट वाला हमारा ग्लास है तो इस सॉल्ट को मैंने इसमें डाल दिया. ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ. और इसको मैंने इसको स्लोली 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 घुमा दिया. ओके, अब इसको आपने देखना है. ठीक है, मैंने इसमें सॉल्ट डाला, फिर मैंने इसको वापस रख दिया. नेक्स्ट इज ऑयल. ये क्या है? ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आप नारियल का भी ले सकते हो और आप सरसों का भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो. ठीक है, और ये ऑयल है, मैंने इसको, ये ऑयल वाला है, इसमें मैंने इसको डिप किया. सॉरी, ये तो उसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ. ये ऑयल वाला है, मैंने इसमें 2 स्पून डाल दिया. इसको मैं ऐसे करके घुमा रही हूँ और ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. ठीक है, ये ऑयल डाल दिए मैंने क्योंकि ये मेरे पास 4 डिफरेंट चीजें हैं. उसके बाद है, नेक्स्ट मेरे पास है मिल्क. अब मैंने मिल्क को वाटर में, ये देखिए, अब मैंने इसको घुमा दिया. नेक्स्ट इज पेबल्स. ये पेबल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर, इनको हम पेबल्स भी बोलते हैं. अब देखिए, यस, ये 4 के 4 मैंने इसमें डिप कर दिए. अब इनमें आपने फाइंड आउट करना है कि वाटर में कौन कौन सी चीजें हैं जो घुल गई हैं और कौन सी चीजें हैं जो ऊपर है या नीचे रह गई. ये क्या था? ऑयल, सॉरी, ये हमारा क्या था? देखिए, मैंने इसमें, ये इसमें वाटर डाला था, सॉरी, सॉल्ट. ये पूरा फिल हो चुका है. यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे सॉल्ट पड़ा हुआ, सिंपल वाटर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें मिक्स हो गया, घुल गया, जिन्हों को पंजाबी कहने कुड़ गया. नेक्स्ट ये ऑयल वाला है, मैंने इसमें ऑयल डाला था. ये देखो, मैंने अभी आपके सामने भी डाल दिया. और आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि ये जो ऑयल है, दिख रहा है आपको ऑयल? इसके ऊपर तैर रहा है. ठीक है, ये पूरी तरह से
इसमें मिक्स नहीं हुआ। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको यहाँ इसके ऊपर छोटी छोटी लेयर्स दिखाई देंगी वाटर के ऊपर। नेक्स्ट है मेरा मिल्क, मैंने इसमें मिल्क डाला था, देखो मिल्क बिल्कुल मिक्स हो गया वाटर में, ये इसके बीच बिल्कुल मिक्स हो चुका है मिल्क। नेक्स्ट है मेरे पेपर्स, पेपर्स थे वो तो बिल्कुल मिक्स नहीं हुए, जैसे हमारा ऑयल ऊपर ऊपर है उसके टॉप पे, तो ये जो पेपर्स हैं ये इसके बॉटम में है, बॉटम होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये इसके बॉटम में है और ये ऑयल है ये इसके टॉप पे है, मतलब ऊपर है, और जो सॉल्ट है ये मिक्स हो गया वाटर में। जो चीजें वाटर में मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं, वो होती हैं सॉल्युबल, एंड जो इसमें मिक्स नहीं होती वो होती है इनसॉल्युबल। ये कॉन्सेप्ट था आपका सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। जो चीजें वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाती हैं वो होती हैं सॉल्युबल, एंड जो मिक्स नहीं होती वो होती है इनसॉल्युबल, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो वाटर के बीच जो मैंने ऑयल डाला था वो उसके ऊपर तैरता है, मिल्क डाला था ये मिक्स हो गया, एंड जो मैंने ये पेबल्स डाले थे ये इसके नीचे रह गए, ठीक है। तो ये वाला हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, आपको ये कैसा लगा, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से घर पे करना है। थैंक्स, हैव नाइस डे।